तो दोस्तों इंडियन सिनेमा घरों में अभी बहुत सारी हाई बजट मूवी आने वाली है, जिनमें से बात करें तो रॉकिंग स्टारर्स की केजीएफ चैप्टर 2, थालापति विजय की मास्टर, जूनियर एनटीआर और रामचरण की RRR। दोस्तों इन तीनों मूवी का टीजर रिलीज कर दिया गया है, जिनमें से बात करें केजीएफ चैप्टर 2 का, इसका टीजर कल रात 9:30 बजे रिलीज कर दिया गया है, जिस पर अभी तक 57 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज और 3.6 मिलियन से भी ज्यादा लाइक्स आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी में हमें स्टारिंग रोल में दिखाई देने वाले हैं रॉकिंग स्टारर्स संजय दत्त, रवीना टंडन और श्रीनिधि शेट्टी। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का बजट लगभग 120 करोड़ बताया जा रहा है और इस मूवी की रिलीज डेट अभी तक कोई फिक्स नहीं है। वही दूसरी मूवी है थालापति विजय की मास्टर। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का टीजर 1 महीने पहले रिलीज कर दिया गया है, जिस पर अभी तक 54 मिलियन व्यूज आ चुके हैं और लाइक की बात करें तो अभी तक 2.6 मिलियन लाइक्स इस टीजर पर आ चुके हैं। वह इस मूवी के स्टारिंग रोल में हमें थालापति विजय के साथ विजय सेतुपति दिखाई देने वाले हैं। वह इस मूवी को डायरेक्ट किया है लोकेश कनगराज और इस मूवी का हमें बजट बताया जा रहा है लगभग 180 करोड़। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी की रिलीज डेट है 13 जनवरी 2021। वही तीसरी मूवी का नाम है RRR। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी के हमें स्टारिंग रोल में दिखाई देने वाले हैं रामचरण, जूनियर एनटीआर और आलिया भट्ट। वह इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं SS राजामौली। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी के 2 टीजर रिलीज किए गए हैं, जिसमें से एक रामचरण सर का और दूसरा NTR सर का। जी हाँ दोस्तों, NTR सर के टीजर पर 37 मिलियन व्यूज और लाइक आए हैं 1.2 मिलियन। वही रामचरण सर के टीजर पर 37 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज और लाइक हो चुके हैं अभी तक 844 के। जी हाँ दोस्तों, ये थी हमारी 3 मूवी। जी हाँ दोस्तों, इस 3 मूवी हमें बहुत ही जल्द सिनेमा घरों में दिखाई देने वाली हैं। तो दोस्तों, आपको इस 3 मूवी में से कौन सी मूवी का बेसब्री से इंतज़ार है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।